तुपके हुए हैं। वही लोग प्रशासन के आदेश को पूरी तरीके से समर्थन भी नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग कर भी रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि कृषि क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य लॉकडाउन प्रतिबंधों में अभियुक्त रहे हैं, जिसके बाद से किसानों को थोड़ी राहत की सांस मिली है। बता दें, लॉकडाउन से लोगों की फसलें खराब हो रही हैं, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने कृषि कार्य करने की लोगों को अनुमति दे रखी है। लोगों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अगर कंबाइन मशीन चलेंगे तो हमारी फसलें कट जाएंगी, वह नष्ट नहीं होंगी, हमारा मेहनत जाया नहीं जाएगा। आने जाने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए पता चला कि परमिशन मिल रहा है। हम लोग गए थे यहाँ कृषि विभाग में, अपना परमिट भर के दिए हैं कि वाहन अपना परमिट करा के और लेके जाएं और वहाँ से अपना फोरमैन लेके आए कि फोरमैन आए और फसलें सब कट जाएं। हम लोग की भी खेती है, खेती हम लोग की सब बर्बाद हो रही है, बारिश का भी मौसम बीच बीच में आ जा रहा है। दिक्कत क्या, दिक्कतें दिक्कत है, देख रहे हैं पूरी फसल गिर चुकी है। गरीब आदमी मजदूर आदमी हम हैं, इस समय लेबर और जाना मिल नहीं रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। मानिए हम इतना परेशान हैं, क्या कर सकते हैं खाने खाने के लिए। मानिए फसल गिर चुका है, कुछ दिन पहले फसल बढ़िया था, बाकी फिर फसल गिर गया है। आप लोग देख सकते हैं, खुद आए हैं, फसल कैसे गिर चुका है। अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र में पीएम मोदी के 21 दिनों